तो कुछ दिन पहले मैं अमेजन पर ऐसे ही घूम रहा था, घूमते घूमते मेरे को एक लेंस दिखा, 40-60x का टेलीफोटो जूम लेंस, वो भी मोबाइल के लिए, मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ 999 यानी कि 1000 रुपए में। अब इससे पहले बहुत सारे टेलीफोटो लेंसेज के ऊपर वीडियो मैंने बनाए हैं, जो भी सस्ते प्राइसेस के लेंसेज होते हैं उनका क्वालिटी खराब ही होता है, बट इस लेंस के साथ जो फोटो अटैच्ड थे उनको देखकर मेरे को लगा इसका क्वालिटी सही होगा, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिए। वैसे बॉक्स देखकर लग रहा है कि ये 3-4 जगह पर पहले ही जा चुका है, रिटर्न आने के बाद हमारे पास आया है, कोई दिक्कत नहीं है बॉक्स से हमें। इधर लिखा है पांडा बाइनोकुलर, वैसे पांडा तो है नहीं हमारे पास देखने के लिए, बट इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो बर्ड वॉचिंग के लिए, ऑटो रेसिंग के लिए या फिर हॉर्स राइडिंग, इस तरीके की चीजों को दूर से देखने के लिए। वेबसाइट पर लिखा था ये मोबाइल लेंस है, बट इधर लिखा है कि ये बाइनोकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, खोल के देखते हैं इसको। सो अंदर हमें सबसे पहले तो ये बाइनोकुलर मिल जाता है, साथ में ये एक ट्राइपॉड दिया जाता है छोटा सा, और ये एक मोबाइल होल्डर दिया जाता है जिसके मदद से लेंस को हम फोन के साथ अटैच करेंगे, और ये कपड़े का टुकड़ा दिया जाता है। एनीवे लेंस के ऊपर आते हैं, तो क्वालिटी वाइज ये ठीक ठाक है, पूरा रबर से ये बना है तो क्वालिटी उतना कुछ खराब नहीं है। ओ, बैक कैप निकल गया, वैसे भी हम इसको निकालने ही वाले थे, तो पीछे की तरफ और सामने की तरफ दोनों तरफ कैप दिया जाता है लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये ऊपर की तरफ ये एक कॉम्पस है जो कि पता नहीं क्यों ईस्ट को भी नॉर्थ से दिखाता है, तो ये यूजलेस है। एंड ये जो व्हील है ये बेसिकली फोकस पुलर व्हील है, आप जब आंखों से चीजों को देखेंगे कुछ इस तरीके से, वैसे तो एक आंख से देखने में बहुत दिक्कत होता है, फोकस करने में बहुत दिक्कत होता है, पर जब आप चीजों को देखेंगे सामने के तो ये जो व्हील है इसको घुमाते हुए आप फोकस करने वाले हो, काफी सही चीज है। वैसे आंख से देखने पर जो चीजें है एकदम क्लियर एकदम शार्प दिखता है, क्योंकि आंखों का जो मेगापिक्सल है बहुत हाई है, तो एकदम हाई डेफिनेशन में आप चीजों को देख सकते हो। बाकी फोन के साथ यूज करने में ये कैसा क्वालिटी देता है वो हम टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले ये जो छोटा सा ट्राइपॉड मिलता है इसको लेंस के नीचे अटैच करेंगे, ताकि इस लेंस को हम अपने टेबल के ऊपर रख सके। ऑलराइट, तो ये अटैच हो चुका है और आप इसको लंबा भी कर सकते हो अगर थोड़ा लंबा करना है तो लेग्स को, सॉरी टूट गया, ओके ट्राइपॉड का एक लेग तो बाहर आ गया, बट कोई दिक्कत नहीं, ये फिर भी खड़ा हो सकता है अपने पैरों पर। अब ये जो मोबाइल होल्डर है इसको लेंस के पीछे की तरफ हम अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से, उसके बाद अपना जो फोन है उसको क्लिप कर देंगे, तो ये फोन के साथ रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। अब आउटडोर पर चलते हैं, इसको टेस्ट करके देखते हैं किस क्वालिटी में ये फोटो वीडियो कैप्चर कर सकता है। लेंस को फोन के साथ प्रॉपरली अटैच कर दिया है मैंने, और सामने की तरफ वो छत का जो सलिया निकला है उस पर मैंने फोकस किया है। आप देख सकते हो फोन का जो डिस्प्ले है उसमें आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, सर्कल के अंदर आपको सारी चीजें दिख रहा है। सो उसके लिए हमें यहाँ पर 2x जूम करना पड़ेगा, तो फुल स्क्रीन में हम प्रीव्यू ले सकते हैं। अभी आप देख सकते हो सामने की जो चीजें हैं वो एकदम क्लियरली फोकस में है, तो यहाँ पर मैं एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ। बाय द वे फोकस अगर सही नहीं है तो ऊपर का ये जो रिंग है इसको घुमाते हुए हम प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं, उसके बाद इधर से फोटो क्लिक कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी बहुत खराब है लेंस का, फोटो में डिस्टॉर्शन है, ब्लरी एज है और क्रोमेटिक एवरिएशन भी आता है, एंड जो शार्पनेस है वो बहुत ही कम कैप्चर होता है। अगर आप क्लोज के किसी ऑब्जेक्ट की फोटो क्लिक करेंगे तो थोड़ा बहुत शार्पनेस आपको मिलेगा, पर अगर आप दूर के किसी ऑब्जेक्ट की फोटो क्लिक करेंगे तो शार्पनेस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर फोटो क्वालिटी बिल्कुल ही यूजलेस है। देखो दोस्तों, दूर की चीजें की फोटो कैप्चर करने के लिए मोबाइल कैमरा नहीं है, उसके लिए DSLR ही अच्छा है, बट फिर भी अगर आप कोई महंगे टेलीफोटो लेंस ले लेते हो, कोई अच्छी क्वालिटी का टेलीफोटो लेंस ले लेते हो, तो आप अच्छी क्वालिटी में फोटो कैप्चर कर पाते हो। ऐसे सस्ते लेंसेज के साथ आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये जो लेंस है, ये जो बाइनोकुलर है, ये अच्छा है ऐसे आंख में लगा के दूर की चीजों को देखने के लिए। फोन के साथ यूज करने के लिए मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी मत खरीदो, आपका पैसा वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। आप वैसे तो मैं इस प्रोडक्ट को रिटर्न करने वाला हूं, मेरे लिए ये बिल्कुल भी यूजलेस है, बट अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, उधर से आप खरीद सकते हो। अब बताओ मेरे को कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर आपको सही लगा तो लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।